हाय गाइस, दिस इज सुरभि और मैं हूँ आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग में दिखाई दी हूँ। थोड़ा दुखी हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों पर जो आपके साथ भी रहते हैं और आपको बहुत बड़ा चीट करते हैं, धोखा देते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो आपको प्यार के नाम पर धोखा देते हैं, जो आपको चीट करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं ये धोखे की। आखिर धोखा क्यों देते हैं लोग प्यार में, मोहब्बत में, अपनेपन में आकर कैसे दे लेते हैं धोखा? मतलब मुझे आज तक ये बात कभी समझ में नहीं आई है। अगर आपको ये बात समझ में आए तो मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर धोखा कैसे दे लेते हैं लोग। तो दोस्तों धोखा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो आपको कैसे धोखा देगा या वो आपको किस तरह से चीट करेगा। और कैसे दे लेते हैं लोग प्यार में, मोहब्बत में, शादी में, अपनेपन में, सब में कैसे दे लेते हैं लोग? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो कि आखिर ये धोखा क्यों देते हैं लोग। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपको बीच मझधार में लाकर, ऐसे मतलब नाव में लाकर, जैसे बीच मझधारे की नाव में लाकर आपको पीछे से धक्का देने वाले हो या धक्का दे दें, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिंदगी की नाव ऐसी है कि वो डूबती नहीं है। आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, रोते भी हैं, तड़पते हैं, लेकिन फिर एक मुकाम ऐसा आता है जब आप संभल जाते हैं, और जब संभलते हैं तो फिर अगले की तो वॉट लगती ही लगती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का जो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं? या ये कहा जाए कि झूठ से ज़्यादा छुपाते हैं, या ये कहा जाए कि मुंह चुप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, जहां वो हैं उस जगह के लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन्हीं के कहे के करने लग जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या क्या क्वालिटी है ये, मतलब किस तरह की क्वालिटी है? क्या आपके पास मुंह नहीं है? क्या आपके पास जबान नहीं है? क्या आपके पास भेजा नहीं है? आपको अपने करियर की नहीं पड़ रही है? आपको अपने भविष्य की नहीं दिख रही है, है ना? तो मुंह क्यों बंद कर रखते हैं आप लोग? मुंह बंद करने वालों के खिलाफ क्या करना चाहिए? उनको कैसे समझाना चाहिए कि भैया मुंह खोलोगे, सामने वाले को बताओगे, प्रॉब्लम दिखाओगे, उसे समझाओगे, उसे कॉन्फिडेंस में लोगे तो शायद आपका काम बन भी जाए। लेकिन अगर आप सामने वाले को लतियाओगे, गरियाओगे, उसे हर्ट करोगे, उसे बेइज्जत करोगे, वो भी नए लोगों के लिए, तो समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं जहाँ पर लोग प्यार के रिश्तों में बन जाते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में बन जाते हैं, बहुत तक क्लोज रहने लगते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं, साथ में रहने लगते हैं, और उसके बाद अपने पार्टनर को धोखा देते हैं क्योंकि आप उन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है, अब उन्हें शादी करनी है, तो क्या वो भी घर वालों की मर्जी से? तो क्या ऐसे लोग कभी खुद खुश रहेंगे, अगले बंदे को खुश रखेंगे? क्या वो अपने उस पार्टनर के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं? अगर वो 4 साल 5 साल किसी के साथ गुजार रहे हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो नए व्यक्ति के साथ भी आगे चल के, गारंटी क्या है इस चीज़ की कि वो रिश्ता निभाते रहेंगे, उसको खुश रखेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है सर, कोई गारंटी नहीं है लोग दोस्तों, लेकिन लोग ये कर रहे हैं। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? और मतलब बहुत अजीब थॉट मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है। एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों को देख रही हूँ, कभी कभी थोड़ा अपने ऊपर हर्ट फील कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दुखी भी हो रही हूँ और हंसी भी आ रही है। और एक तरफ, अच्छा अब यहाँ पे कंपैरिजन है दो लोगों का, एक तरफ ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, जो फ्रॉड हैं, ठीक है, जो 420 कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर धूप बेवकूफ बन रहे हैं। एक नया व्यक्ति आपके घर में आता है, आपके जीवन में आता है, आप उसे सिर्फ देखते हैं, आप उसकी जॉब प्रोफाइल देखते हैं और आप तैयार हो जाते हैं ये सोचकर कि वो बहुत अच्छे कैरेक्टर का होगा। पता तो करिए, सबसे अच्छा दिखने वाला, सबसे शरीफ दिखने वाला ही सबसे बड़ा ढोंगी होता है, ये हकीकत बात है। तो जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा शराफत टपके, जो अपने आप को बहुत अच्छा आपको दिखाए, समझ लीजिए कि दाल में काला नहीं बल्कि दाल काली है, तो ऐसी दाल का एक ही हश होता है, उसे फेंक देना चाहिए, फिर वो सबकी जिंदगी से फिकी जाती है। वो एक अकेले की नहीं, मतलब जिसको उसने चीट किया
उसकी जिंदगी से वो तो निकल ही गया, वो बच गया, थैंक गॉड वो बच गया, लेकिन जो नया उसकी जिंदगी में जुड़ रहा है उसकी जिंदगी में भी उसकी वैल्यू जूते पे आ जाती है। क्योंकि एक ना एक दिन जीवन में जब रिश्ते खुलते हैं, तो जब रिश्ते खुलते हैं ना तो पुरानी बातें भी खुलती हैं। शादी के टाइम में तो लोग यार कर लेते हैं, उन्हें करनी होती है तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ नेगेटिव होकर पूरी ज़िंदगी कानों में पड़ती है, सुनाई देना पड़ता है। वो जो शक जीवन में घुस जाता है वो शक कभी नहीं निकलता दोस्तों। तो ये जो मैं आज बोल रही हूँ आप लोगों को, जो भी मैं आज बात बता रही हूँ आपको, ये ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं, ये वो बारीकियाँ हैं ज़िंदगी की जो मैंने फ़ील की हैं, जो मैंने देखी हैं, जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने लोगों का नेचर देखा है। भाई देखो, मैं अपने नेचर की बात करूँ तो अगर मुझे किसी पर डाउट होता है या मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को जानती हूँ और उसके थ्रू मुझे कुछ डाउट होता है, तो मैं उस डाउट के तह तक जाती हूँ, मैं पता करती हूँ, भले तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, भले मुझे उसके बाद दुख कितना भी हो, बट मैं उसकी तह तक जाती हूँ। क्यों जाती हूँ तह तक? मैं इसलिए तह तक जाती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं अपने दिमाग में एकदम शांत हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं माइंड से एकदम खाली हो जाती हूँ और मैं माइंड मेरा फिनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है, और मैं हंसती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ कि अच्छा हुआ मुझे इसकी सच्चाई मालूम चली और मैंने अपने आप को बचा लिया। क्योंकि मैं जिंदगी भर उस कलुष वाले माहौल में अपने आप को, अपने माइंड को फंसा कर रखना नहीं चाहती, मैं रख ही नहीं सकती। मैं उस तरह की प्राणी नहीं हूँ कि कोई मुझे खुला हुआ आसमान दे दे और लेकिन मेरे पैर में एक जंजीर बांध दे और मैं उस जंजीर को फील करूँ कि हाय मेरे पैर में जंजीर बंधी है, तो मैं भले मेरे लिए पूरा आकाश खुला हो लेकिन पैर में एक जंजीर अगर डाल दी तो मेरे दिमाग में बस वही जंजीर फंसी रहती है, मुझे खुला आसमान, खुली जगह, खुली चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो मेरे दिमाग में अगर ये बैठ गया कि सामने वाले को लेकर कि इसने ये बोला है, ये झूठ है और इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है, तो मैं पूरी तह तक जाती हूँ बिल्कुल, और ये मेरा नेचर है। और आप चाहे इसे अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, लेकिन कई दफ़ा इसके चलते मुझे बहुत ही पेन झेलना पड़ता है, बहुत हर्ट मैं होती हूँ, क्योंकि जब सच्चाइयाँ सामने निकल कर आती हैं किसी भी इंसान की, तो वो सच्चाइयाँ आपको हर्ट करती हैं, उन सच्चाइयों में जीना मुश्किल हो जाता है, वो सच्चाइयाँ आपको अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन फिर भी सच कड़वा कितना भी क्यों ना हो, वो स्वास्थ्यवर्धक होता है, आपको मारेगा नहीं वो कड़वा सच, आपको जिंदा रखेगा। लेकिन एक सच के बाद एक झूठ वो कितना भी छुपा परत के, कितनी भी उसको लाग लपेट के आप ले आइए और उस पर आप सूट पहना दीजिए, उसे चाहे कुछ भी कर दीजिए, है ना, उस पर कितने भी रंग रोगन कर दीजिए, लेकिन फिर भी आप उस झूठ के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप कब तक मुंह रखेंगे बन, आप बोल ही देंगे ना एक दिन, अब ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और तुमने झूठ बोला। तो ये एक लाइफ की स्टोरी है दोस्तों, हालांकि मैं बहुत गोल गोल बातें कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में गोल गोल बातें ही लोग कर रहे हैं और गोल गोल बातों से आपको समझाना चाहती हूँ कुछ। तो अगर समझ में आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर, अगर आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति पर जो आपके घर आ रहा है उस पर इतना ट्रस्ट मत कीजिए, उसके कैरेक्टर का पता कीजिए, उसके घर जाइए, चार लोगों से जानिए, इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कीजिए, तस्वीरें देखते हैं तो उन तस्वीरों की सच्चाई पता कीजिए, अपनी इकलौती बच्ची की शादी अब तब उससे कीजिए, अपनी इकलौती के अपनी 10 बच्चे 10 भी बच्चियां हो तो उनकी शादी तब कीजिए जब आपको इस सब का रियल प्रूफ पता चले, वो पता कीजिए। आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, दुनिया बहुत शातिर है, दुनिया नंबर वन की झूठी है। गाली निकलती है मेरे मुंह से लेकिन गाली देना नहीं चाहती हूँ, वरना मैं इतनी तगड़ी गाली दूँ कि शायद मेरा वीडियो रन करने लगे मेरे मुंह से गाली सुन के, लेकिन मैं गाली देना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे मन में, मेरे मुँह में वो गाली है तो मैं वो गाली खुलेआम देना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई यही है। तो दुनिया थी और रहेगी, तो दुनिया वो है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। ओके, तो ये एक चीज हो गई कि जब भी आप किसी को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, जो लड़का हो या लड़की हो, उसके कैरेक्टर के बारे में पता करिए। कैरेक्टर चेहरे पे नहीं होता है, कैरेक्टर कुछ और ही होता है, तो पता कीजिए। दूसरी चीज ये कि
अगर आप किसी के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बीज भंवर में ले जाकर लात मत मारिए, क्योंकि अगर आप एक दिन लात मारेंगे तो चार लातें आप भी खाएंगे। आज आप सोच रहे हैं मेरा फायदा, कल आप ही का डबल नुकसान होने वाला है। तो ये सोच कर करिए, अगले बंदे का नुकसान सोच के करिए कि कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए गड्ढा खोदा है आपने, जिसे छुपाया है आपने, कल आप ही के लिए गड्ढा खुद जाए और आप ही घर बैठ के रो भी ना पाए और हंस भी ना पाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जिंदगी से जुड़ी हैं, जिसके ऊपर मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन ये फैक्ट बातें हैं और इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार। अगर आपको मेरी राय, मेरे विचार, मेरी बातें पसंद आई हो कि धोखा लोग क्यों देते हैं, धोखा क्यों नहीं देना चाहिए, और लड़की के जीवन में जुड़ी है, लोग धोखेबाज कैसे आ जाते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों को ज़रा समझिए, कोशिश कीजिए और इन पर विचार कीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है सुरभि की तरह। धन्यवाद।